मुख्यमंत्री ने नागौर जिले के 70,517 लाभार्थियों के बैंक खातों में करीब 3 करोड़ लाभ की राशि की हस्तांतरित। इंदिरा गांधी गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना को लेकर सोमवार को प्रदेश भर में आयोजित लाभार्थियों के लिए लाभार्थी उत्सव के तहत नागौर जिला मुख्यालय पर भी टाउन हॉल में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री ने विजुअल बटन दबाकर एक साथ 70,517 लाभार्थियों के बैंक खातों में करीब 2,99,70,841 रुपये का लाभ हस्तांतरित किया। इस अवसर पर जिला कलेक्टर पीयूष समरिया, जिला रसद अधिकारी सहित अनेक अधिकारी रहे मौजूद। इंदिरा गांधी गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना पर आधारित एक वीडियो फिल्म का भी इस मौके पर किया गया प्रदर्शन। जिला रसद अधिकारी अंकित पचार ने बताया कि सोमवार को जिला मुख्यालय पर दोपहर 12 बजे से 1 बजे तक आयोजित हुए लाभार्थी उत्सव के तहत राशि प्रत्यक्ष रूप से की गई हस्तांतरित। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो और नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने सोमवार को नागौर जिला मुख्यालय पर पार्टी के विधायकों एवं कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर जून महीने में 4 विशाल प्रदर्शन एवं रैलियों के लिए बनाई रणनीति। बेनीवाल ने बजरी की दरों को कम करवाने, स्टेट हाईवे को टोल फ्री करवाने तथा स्थानीय लोगों को रोजगार में प्राथमिकता देने के साथ किसानों की कर्ज माफी, पानी की उपलब्धता, भ्रष्टाचार के खिलाफ फसली बीमा समय पर क्लेम दिलवाने सहित दर्जनों जनहित मुद्दों को लेकर किए जाने वाले प्रदर्शनों और रैलियों को लेकर विस्तृत चर्चा की। बेनीवाल ने बताया कि प्रदेश में एक तरफ एकाधिकार बजरी के खनन एवं मनमर्जी के खिलाफ सत्ता पक्ष मौन है, वहीं भाजपा भी इस मामले में चुप्पी साधे हुए है। इसी वजह से आज 500 रुपये प्रति टन से लेकर 600 रुपये प्रति टन तक दर वसूली जा रही है, जिससे आम आदमी पर अधिक आर्थिक भार पड़ रहा है। वहीं इस मौके पर सांसद ने अपने आवास पर विधायक इंदिरा देवी के नेतृत्व में आगामी 12 जून को मेड़ता विधानसभा क्षेत्र के रिया में बजरी माफियाओं के खिलाफ होने वाले विशाल प्रदर्शन को लेकर विशेष चर्चा की। आरएलपी कार्यालय से जारी प्रेस नोट के अनुसार 12 जून को रिया, 17 जून को भीलवाड़ा, 24 जून को बाड़मेर धोरी मन्ना में रखी गई है महारैलियाँ। कुचेरा पुलिस ने अवैध मादक पदार्थों की रोकथाम हेतु लगातार कार्रवाई करते हुए 250 ग्राम अवैध अफीम बरामद कर 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार तथा परिवहन में प्रयुक्त मोटरसाइकिल को भी किया जब्त। पुलिस द्वारा कुचेरा हाईवे पर नाकाबंदी के दौरान आरोपी मोइनुद्दीन देशवाली निवासी गांधीनगर किशनगढ़ तथा सद्दाम निवासी गांधीनगर किशनगढ़ की तलाशी लेने पर कब्जे से 250 ग्राम अवैध मादक पदार्थ अफीम बरामद हुआ, जिस पर कार्रवाई करते हुए रिपोर्ट दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार किया गया तथा परिवहन में प्रयुक्त मोटरसाइकिल जब्त की गई। वहीं नवा पुलिस ने हनी ट्रैप के प्रकरण में कार्रवाई करते हुए अब चौथे आरोपी किशन लाल को भी कर लिया गिरफ्तार। आरोपी ने अपने साथियों के साथ मिलकर एक परिवादी को बंधक बनाकर महिला के साथ अश्लील फोटो वीडियो बनाई तथा वायरल करने की धमकी देकर कुल 1,52,860 रुपये नकद एवं बोलेरो गाड़ी के कागजात अपने नाम करवाकर छीन ली थी। आपको बता दें कि इस प्रकरण में पूर्व में पुलिस 3 आरोपियों को कर चुकी है गिरफ्तार, जिसमें एक महिला आरोपी भी शामिल है। इस प्रकरण में पुलिस ने सूचना संकलन करते हुए एक विशेष टीम का गठन कर मुखबिर की सहायता से मुख्य आरोपी चेनाराम को गिरफ्तार करते हुए 2 अन्य आरोपी रमेश तथा भगवती देवी उर्फ सुमन चौधरी को गिरफ्तार कर बोलेरो कार भी बरामद कर ली थी। जिले की शक्तिपीठ कोट मांगलोत स्थित दधिमति माता मंदिर परिसर में सोमवार को 108 कुंडीय लक्ष्य महालक्ष्मी यज्ञ एवं देवी भागवत कथा महोत्सव हुआ शुरू। यज्ञ और कथा को लेकर सुबह वैदिक गुरुकुल से आयोजन स्थल तक कलश यात्रा निकाली गई। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र अयोध्या के कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देव गिरी महाराज और रेसाबा पीठाधीश्वर राघवाचार्य महाराज के सानिध्य में 108 कुंडीय लक्ष्य महालक्ष्मी यज्ञ का शुभारंभ किया गया। 130 विप्रगणों ने वैदिक मंत्रोच्चार के साथ यज्ञ का संचालन किया। इसी प्रकार विजय गुरु ने देवी भागवत पाठ कथा का वाचन किया। यज्ञ को लेकर देश भर से श्रद्धालु उमड़े हैं। नागौर जिले की कृषि उपज मंडियों में किसानों तथा उपज की आवक लगातार है जारी।
कल नागौर मंडी में विभिन्न कृषि उपजों के भाव निम्न प्रकार रहे। जिला मुख्यालय स्थित मंडी में जीरा न्यूनतम 30,000 से 45,100, गवार 4,800 से 5,150, मूंग 6,500 से 7,800, सौंप 13,000 से 19,500, इसबगोल 15,000 से 22,000, तिल 11,000 से 12,900, जवार 2,500 से 5,100, सरसों 3,800 से 4,600, तारामीरा 4,800 से 5,125, चना 4,000 से 4,550, मेथी 5,000 से 5,750 तथा मोठ 5,500 से 6,500 तक बिके। यह है न्यूज 21 राजस्थान। नागौर जिले और राजस्थान का सबसे विश्वसनीय एवं तेजी से बढ़ता न्यूज पोर्टल।